दोस्तों आज की कहानी है बहू अब आ जाओ, हमारा कोई भरोसा नहीं, अपना घर संभालो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज 3 महीने हो गए विक्रांत को इस दुनिया से विदा हुए, अब बहू को मायके से आ जाना चाहिए। बहू पोते बिना घर सुना सुना लग रहा। शांति देवी बोली, जब तक वो इस घर में थी तब तक उसे ही बेटे की मौत का जिम्मेदार बता रही थी। मन होश साया, फूटी किस्मत जाने जाने क्या कह, उसका जीना दुश्वार कर दी। अब जब वो सुकून से मायके में है तो तुम्हें घर काटने को दौड़ रहा। कुछ तो डरो भगवान से, वो सब देख रहा। ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाई, जवान बेटे की मृत्यु से शांति और ओम प्रकाश टूट से गए। अब इस बुढ़ापे का सहारा थे बहू पल्लवी और पोता यश। कोरोना के चलते विक्रांत की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बूढ़े पिता की लाठी और बूढ़ी माँ की आंखों का तारा, जब सीन जाए तो उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। बहू आ जाओ, अब हमारा कोई भरोसा नहीं, आकर अपना घर परिवार संभालो। ओम प्रकाश जी ने बहू को झिझकते हुए कहा। पल्लवी तो बस इसी इंतजार में थी, वो खुशी खुशी अपने मायके से विदा ले ससुराल आ गई। सास ससुर ने बिना भावुक हुए उससे पूछा, बहू तुमने अपने आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? तुम बाकी का जीवन मायके में बिताओगी या हमें तुम्हारे पुनः विवाह से भी कोई ऐतराज नहीं? हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जमीन जायदाद सब यश के नाम कर देंगे। बहू बुरा मत मानना, अगर तुम्हारे पुनः विवाह के बाद यश दरबदर ना हो जाए सो वसीहत में सिर्फ इसी का नाम लिखा है। पल्लवी की आंखें भर आई, बाऊजी क्या औरत से उसकी मर्जी जानने की परंपरा हमारा देश में है ही नहीं। जहां पैदा हुई पली बड़ी, जिस आंगन में बचपन बीता वहां से एक दिन किसी और के अमानत बोल दिया कर, एक पल में पराया कर दिया, फिर ससुराल को ही अपना घर अपना परिवार मान सबको अपना कर लिया। विदाता ने मुझसे सुहाग सीन लिया, सास ने कहा कोरोना रे बेटे को ना ले जाकर मेरी बहू को ले जाता। माँ ने भी अभागन कहा, दामाद न जाता साए बेटी सली जाती। मामा कभी पिता की जग नहीं ले सकता, सो मायके जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ हर कोई मेरे जाने की राह देख रहा था। ससुराल अपना हक अपना अधिकार समझकर आई, जहां मैं 2 वक्त का सम्मान की रोटी खा सकूंगी। लेकिन देखिए ना,
दुर्भाग्य मेरी कुंडली में पैर पसारे बैठा है, यहाँ भी अपने पोते के भविष्य की चिंता कर आपने मुझे एहसास करा दिया। औरत का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वो दुनिया में सिर्फ बेटी, पत्नी, बहू, माँ यही किरदार निभाकर दुनिया से चली जाती हैं। पल्लवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ओम प्रकाश और शांति देवी ने पल्लवी के पिता को फोन लगाकर बात की। भाई साहब, पल्लवी या भाई भाभी के व्यवहार से दुखी होकर गई, फिर आपने भी उसे परायपन का एहसास करा दिया, तभी वो खैर सोड़िए, मैंने पल्लवी के लिए यहाँ विदुर लड़का देखा था, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो अकेले खुद कैसे ले सकती थी। उसने साफ कह दिया कि मेरे बूढ़े सास ससुर मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़ अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकती। भाई भाभी के भरोसे बेटी को मैं भी नहीं छोड़ सकता। 100 कोस प्रॉपर्टी उसे बिना बताए उसके नाम कर जाऊंगा। अभी बेटे बहू के साथ रहता हूँ, सो ज्यादा खुलकर उसे कुछ बता नहीं पाया। आप उसे प्यार से इस विवाह के लिए राजी कीजिए, पराया मत महसूस कराइए। श्रीमती जी, बेटी के गम मैं परलोक सिधार गई। माँ बिना माई का वैसे ही मकान रह जाता है, या उसे प्यार अपनापन अब नहीं मिल पाएगा, तो आप उसे जताइए कि आप उसकी परवाह करते हैं, तभी ऐसा फैसला ले रहे। ओम प्रकाश और शांति ने पल्लवी के लिए पिता का सुझाया लड़का देखा। पल्लवी ने परिवार वालों की खुशी के लिए एक बार आनंद से मिलने का फैसला किया। आनंद एक साधारण पर समझदार और अद्भुत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। पल्लवी उसके विचारों से काफी प्रभावित हुई, क्योंकि आनंद उसके जीवन का वो पहला व्यक्ति है जिसने उसे आत्मनिर्भर होने की बात कही। आनंद अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, साथ ही उसके पिता बनने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसने उसे अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ अपना बाकी जीवन बिताने की सोच ली थी। पल्लवी और यश आनंद के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन कर आए। आनंद ईश्वर का भेजा गया एक दूत था, जो न केवल बूढ़े माँ बाप का बल्कि एक विधवा और उसके बच्चे का सहारा बन गया। साथ ही अज्ञात वास जेल रहे आनंद को एकदम से भरा पूरा परिवार मिल गया।